नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जालंधर स्थित वेरका प्लांट पहुंचे, नए प्लांट का किया उद्घाटन। अमृतसर के बांके बिहारी इलाका में बटाला रोड में एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने ससुराल पक्ष पर तंग परेशान व मारपीट के लगाए आरोप। कपूरथला की कांचली झील में एक अज्ञात युवती ने लगाई छलांग, पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जालंधर स्थित वेरका प्लांट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। उन्होंने 84 करोड़ रुपए की लागत से नए प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली व हिमाचल तक वेरका को पहुंचाएंगे, वेरका को पंजाब का कमाऊ बेटा बनाएंगे। सीएम मान ने कहा कि पंजाब के कर्जे का 36,000 करोड़ रुपए उतारा गया है। पंजाब के स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। पंजाब के स्कूलों में मुफ्त विद्या, उच्च स्तरीय विद्या दी जाएगी। तो वहीं सीएम मान ने कहा कि जालंधर को चमका देंगे, जालंधर को एक नमूना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में जालंधर, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, मोहाली, रोपड़, आनंदपुर साहिब जितने भी शहर हैं उन्हें चमकाना उनका उद्देश्य है। पंजाब मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गत दिनों बेमौसमी बारिश के कारण किसानों पर कुदरती मार पड़ी है, उनकी फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। फाजिल्का में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है, लोगों के घरों की छतों तक उड़ गई। गत दिन वह निहाल सिंह वाला मुक्सर व पटियाला के गांव गए थे और फसलों का जायजा लिया। किसानों की फसलों के हुए नुकसान पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये दिए जाएंगे। एक सप्ताह के बीच गिरदावरी हो जाएगी। किसानों के खाते में वैसाखी से पहले पैसे दे दिए जाएंगे। किसानों ने जो बैंकों से पैसे लिए हैं उसे कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, ब्याज नहीं लगेगा। इसी के साथ जालंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और लेदर कॉम्प्लेक्स की सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, पंजाब महिला आप सचिव राजविंदर कौर, विधायक बलकार सिंह, जगबीर सिंह बराड़, कमलजीत सिंह भाटिया, प्रवेश तांगड़ी, दिनेश ढल, सुरेंद्र सिंह सोडी सहित वरिष्ठ नेता और असंख्य आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जिहड़ा प्रोसैसिंग नूं वधाउण दा जिहड़ा प्लांट सीगा उहदा उद्घाटन करना सी। इह पंजाब दे विच दुध दी पैदावार वधाउणी ते दुध नूं प्रोसैस करके पंजाब तो बाहरले सूबें तक इत्थों तक विदेशों तक भी पहुँचाउणा, ये साडा टीचा वेरका दे अंडर। सो वेरका जिहड़ा खेती किसानां दी बिल्कुल सहायक धंदा है। किसान खेती तो बिना जे दूजा धंधे बारे सोच सकते उहदा डेयरी है, क्योंकि उत्थों हर रोज़ इनकम आउंदी है। तां कि जे किते जिवें बेमौसमी बरसात होगी, जे 100% डिपेंडेंट ने खेती ते तां सारी कबीलदारी जिहड़ी है लीह तों लै जांदी है। जे किते इधरों उधरों पैसे आउंदे होण, भावें उहदे मुंडे नूं जां कुड़ी नूं नौकरी मिली होवे जां डेयरी 'च उहदा दुद्ध पैंदा होवे, तां उन्ना सट जिहड़ी उन्नी नहीं बचदी, नुकसान जिहड़ा उह झल्लिया जा सकदा। सो इस तों इलावा जालंधर दे विच जिन्ने भी प्रोजेक्ट ने, खास तौर पर स्कूलिंग दे विच दानिशमंदा बस्ती वाला जिहड़ा स्कूल है बहुत वधिया ते शानदार बनाया। इस तरह आने वाले दिनों आम आदमी क्लीनिक खोलणगे बहुत सारे, तो जालंधर की जिहड़ी चमक है वैसे तो खेडा करके पूरी दुनिया च है। भावें हॉकी की टीम दे विच प्लेयर होण, सारे 90% प्लेयर ही जालंधर दे हुंदे है। हॉकियां बनदियां ने, फुटबॉल बनती है इत्थों दियां बनिया हुई, रगबी बॉलों नाल वर्ल्ड कप खेडे जाते हैं, इत्थों के बने हुए बैटों नाल वर्ल्ड कप खेडे जाते हैं। सो जालंधर स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है, उहदे वास्ते बहुत सारिया स्कीमां आने वाले दिनों तैयार ने। तो सानू बड़ी खुशी हुई कि मेरे पुराने साथी जिहड़े कि जालंधर कैंट तो MLA भी रहे, जगबीर बराड़ जी, वो अपने साथियों समेत, मैं कहूँगा यह नहीं कहूँगा कि उन्होंने सानू ज्वाइन किया, मैं कहूँगा कि वो अपने घर वापस आए ने, क्योंकि जिस वेले PPP बनाई सी मनप्रीत बादल जी की अगुवाई, तो ये फाउंडर मैंबर से,
दो ही एम एल ए से जिन्होंने इस्तीफे दिता सीगा, एक मनप्रीत बादल एक जगदीर बराड़। सो असी बहुत सारे विदेशों भी इतने भी कट्ठे रहे पार्टी नूं बनाउण वास्ते, ते उस तो बाद मनप्रीत जी का रस्ता बदल गया तो सारयां दा ही बदल गया। सो असी पर उत्थे खड़े हाँ ते इन्हां दे आउण नाल सानूं बहुत बल मिलेगा। तो इन्हां ने क्योंकि इस इलाके कल्ले कल्ले घर नूं जाणदे ने, नाल साडे डिप्टी मेयर साहब, इस तों इलावा भाटिया साहब, कुछ कौंसलर ने, साढ़े चार कौंसलर डिप्टी मेयर साहब, तो डिप्टी मेयर ने सारे आम आदमी पार्टी दे विच आए ने। असीं इन्हां दा स्वागत करदे हां। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है उहदे असीं दरवाजे बंद नहीं करदे। आम आदमी पार्टी चंगे लोकां लई खुले दिल नाल असीं उहदा स्वागत करांगे, जिहड़े पंजाब वास्ते आउणा चाहुंदे आ, पंजाब दी बेहतरी लई आउणा चाहुंदे आ, देश दी बेहतरी लई आउणा चाहुंदे आ, करप्शन फ्री पंजाब, करप्शन फ्री देश लई जिहड़े आउणा चाहुंदे आ, असीं उहनां दा ऑलवेज वेलकम करांगे भावें जिहड़ी मर्जी पार्टी 'च होण। अमृतसर के बांके बिहारी इलाका बटाला रोड में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या की गई है। इस मौके पर मृतक लड़की जिसका नाम पूजा है, उसके पारिवारिक सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी लड़की का विवाह 6 महीने पहले हुआ था। उसके ससुर परिवार की ओर से आए दिन उसे तंग परेशान किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। उनकी लड़की ने उन्हें एक दिन पहले चोरी छिपे फोन किया था कि उसके साथ ससुर परिवार की ओर से मारपीट की जा रही है। जब वे उनके घर गए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़की घर का काम नहीं करती। लड़की ने कहा कि वह ठीक नहीं रहती और उनकी बेटी गर्भवती थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे काम करने से मना किया था। वे उसे समझा बुझाकर अपने घर आ गए, लेकिन सुबह उन्हें फोन आया कि उनकी लड़की ने फंदा लगा लिया है। और जब वे उनके घर गए तो लड़की की सास और ससुर घर में ही थे, जबकि लड़का फरार था। उन्होंने संदेह जताया है कि उनकी लड़की को मारकर लटकाया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लड़की के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ते कुड़ी मेरी भी आई ही इधर प्रकाश बिहार पिपर वाले मंदिर। ते कुड़ी साढ़े नू, मेरा नाम बेबी है, कुड़ी का नाम पूजा है, ओदे घर वाली का नाम सूरज है, सस का नाम सानू नहीं पता, ना सोरे का नाम सूरज। छे महीने हो छे महीने दे उन्होंने मार कुट जो चालू की गई, रोज ताने देना, अं सारा कुछ दिता दाज। वो गड्डी मंगते ही ब्याह च भी लड़ाई हुई सी, तो अं क्या कि अं गड्डी नहीं दे सकते, ब्याह करना करो, नहीं करना ना करो। तो उदो भी बड़ा इन्होंने हंगामा किया, बाद च कुड़ी नू टोर्चर करते रहे, ना कितने जान देना, ना साडे घर आन देना, फिर उन्हू मारते रहे, मुंडा भी मारता रहा। हाँ जी, 4 महीने की राती सानू फोन आया 2 बजे, कहिंदी मम्मी तुसी आ जाओ, सानू मैनू कुट्टिया, उन्हें चोरी फोन किया बाथरूम च लुक के, ओहदा फोन खोलिया सी इन्हां ने, ते असीं जाके देखिया कुड़ी लमकी हुई उपर, ये सारे वेहड़े च बैठे हुए नमान ना, कोई ना बुआ तोड़न की कोई कुछ कोशिश की ना कुछ भी, ते असीं जाके बुआ खलवाया इन्हां को, इहदे सहुरे को तोड़वाया, मैं कहा तोड़ो बुआ, ते बुआ तोड़े पहले शीशा तोड़िया, तो वो नहीं टुटा, तो फिर बुआ खोलिया, तो फिर देखा कुड़ी लमकी हुई सी, फिर अं थले उतारिया, घर वाला गया पै गया, घर वाला घरों फरार है, पता नहीं कितने, सिर्फ यदि सस ते सहुरा है। लड़की ने दस दे फा लिया वा, अच्छा, प्यो ने दसिया कि मैं खोलिया जाके, कुड़ी दे प्यो ने कि सहुरे ने, कुड़ी दे प्यो ने, अच्छा जी। ते उन्हां दा इल्जाम है कि कुड़ी नू मारिया गया सहुरे परिवार वल्लों, ओह हुण कुछ करते हैं तफ्तीश करते हैं, फिर आपे पता लग जाना। जदों तुसीं गए ते लटकदी मिली है? नहीं नहीं, सानू नहीं लटकदी, कुड़ी दा प्यो दा। अच्छा, पुलिस कदों पहुंची है? सानू ते नहाण के दस्सिया, तां इसे चौंकी नहीं, जदों तुसीं गए जे डेड बॉडी उतारी मंजे ते। कपूरथला की कांजली झील में एक अज्ञात युवती की ओर से आत्महत्या के प्रयास के चलते छलांग लगाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से युवती को खोजा गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को मौके पर युवती का एक पर्स भी मिला है, लेकिन उसमें भी युवती की पहचान की कोई वस्तु नहीं मिली है।
पुलिस की ओर से अन्य शहरों से भी गोताखोर बुलाकर युवती को खोजा जा रहा है और कांजली झील के पानी के प्रवाह को रोका गया है। वो छाल मारी है कुड़ी सानू तो ले आया कहता लबो लब्या नहीं गया मुलाजिम गया है साडे को कहता लब के दे सानू। अच्छा किन्ने कोई दी गल है सवेरे सानू 10 बजे लेके आया जी। नहीं छाल किन्ने कोई मारी पता कुछ साल दा ये नहीं पता किन्ने बजे मारी लेकिन मैंने कहता छाल मारी है कोई बंदा जानते हुए देखा है इन्हों तो सानू ले आया साथ डाई मार दिती है दूजे लोहा सिंह हुणे ਭਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ बठिंडा की धोबियाना बस्ती में नशा तस्करों को पकड़ने के लिए सिविल लाइन थाना की पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची। इस मौके पर सिविल लाइन थाना के SHO यादविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि धोबियाना बस्ती में नशा तस्कर घूम रहे हैं और नशा सप्लाई करने के लिए आए हैं, जिस कारण वे यहाँ पहुंचे। लेकिन नशा तस्कर पहले ही वहाँ से फरार हो चुके थे, जिस कारण उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को सरेआम घूमने नहीं दिया जाएगा और हर हालत में नशा तस्करों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इतने सानू कोई इंफॉर्मेशन आ रही है इस रोड के ऊपर ड्रग की सप्लाई होंगी या इदा विच अंदर ता करके असीं कंटीन्यूअसली कुछ दिनों तक रेगुलरली वेट कर रहे हैं नशे दे रूप में ता कि कोई नशे दा वेट वट या कोई भी इदा दी चीज ना आवे। गत दिनों हुई बेमौसमी बरसात ने जहां किसानों की फसल को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है, तो वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से गिरदावरी करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान और SDM नाभा दमनदीप कौर की ओर से 400 एकड़ में बीजी गई गाजर की फसल जो कि बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी उसका जायजा लिया गया। ये गाजर की फसल दूसरे राज्यों को एक्सपोर्ट की जानी थी जो कि किसानों द्वारा ठेके पर लेकर गाजर की फसल की गई थी। विधायक देवमान ने कहा कि हर गांव में अनाउंसमेंट करवाकर बिल्कुल पारदर्शी ढंग से गिरदावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं के अलावा सब्जियों और हरे चारे का भी सरकार मुआवजा देगी, तो वहीं किसानों ने कहा कि ये पहली सरकार है जो खेतों में खुद आकर उनका हाल जान रही है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं विधानसभा दे नाभा दे पिंड खेड़ी जट्टां दे विच आ जी। इत्थे तकरीबन मैं हुणी किसान वीरां नाल गल कर रहा सी 400 तों वध एकड़ दे विच हरेक साल जिहड़ी है गाजर दी फसल जिहड़ी है उह उगाई जांदी है, पर बरसात आउण करके तुसीं देखोगे सारी गाजर जिहड़ी है इह बिल्कुल गल गई है, मुश्क मार रही है इहदे विचों जी। ते मैं स्पैशल मेरे नाल साडे SDM नाभा मैडम दमनप्रीत कौर जी, साडे तहसीलदार साहब पासों मेरे नाल आए ने और असीं खुद मायना करन आए हां। कल भी मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान साहब होरीं कल पटियाला जिले दे विच जाला पिंड दे विच आ पा के किसानां दी फसल देख के गए ने ते उन्हां ने सानूं हुक्म कीता कि तुसीं जा के सारे किसानां दे नाल जिहदी कोई फसल खराब हुई है, कोई सब्जी खराब हुई है, कोई हरा चारा तां उन्हां दे नाल तुसीं जा के गलबात करो। ते मुख्यमंत्री साहब ने ऑर्डर कीता कि सारा जिहड़ा प्रशासन है जी ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਛੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏਗੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏਗਾ।
जहां पूरी दुनिया में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, तो वहीं जालंधर के वरिष्ठ रंगकर्मी विंसेंट फ्रैंकलिन चन्नी ताकुलिया, नीरज कौशिक और सुरेंद्र पाल सिंह ने विश्व रंगमंच दिवस की जानकारी देते हुए बताया कि यह दिवस रंगकर्मियों की ओर से कब और कहां मनाना शुरू किया गया था। नए रंगकर्मियों द्वारा सामाजिक मामलों को छोड़कर अपनी सोच के मुताबिक प्रस्तुति करनी शुरू कर दी है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। सभी रंगकर्मियों को शिक्षा देने वाले नाटक करने चाहिए। रंगमंच का स्तर अब पहले से राज्य भर में बढ़ रहा है। नौजवानों को आज के समय के आधुनिक संसाधन रंगमंच में बढ़ाने चाहिए। रंगमंच शुरू से ही मनोरंजन के साथ साथ लोगों को शिक्षा देने वाले नाटक भी दिखा रहा है। हमें लेक्चर गायकी और वीडियो की तरफ जाने की जगह रंगमंच के जरिए अपने विरसे के साथ जुड़ना चाहिए। रंगमंच पर ऐसे नाटक प्रस्तुत करने चाहिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी को आजकल के समय में अच्छी शिक्षा मिल सके और वे अपने विरसे को पहचान सके। युवा रंगकर्मियों को रंगमंच का मीडिया के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी करवाना चाहिए ताकि लोग घर बैठे नाटक देख सकें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। विश्व रंगमंच दिवस 1948 दे विच इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस ने इहदी शुरुआत की यूनैसको की मदद दे नाल, और ये 5 साल तिकर सिर्फ फ्रांस दे विच ही मनाया जाता रहा है। और 1961 दे विच इहदी शुरुआत अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते हुई, तो 1962 दे विच पहली बारी रंगमंच दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते मनाया गया। और इस मौके पर जिहड़ा सुनेहा सी, जिहड़ा संदेश सीगा, वह फ्रांस के कलाकार जीन काकटे ने वो मैसेज लिखिया और पढ़िया सीगा। और ये रवायत चलती आ रही है कि हर साल इस मौके के उत्ते एक किसी उगे कलाकार को इस मौके के उत्ते संदेश लिखवाया जाता और पढ़िया जाता है। और ये 50 भाषावां दे विच ट्रांसलेट हुंदा और दुनिया के 85 मुल्कां दे विच इन्हां दीआं शाखावां ने जिथे मैसेज इहदे थ्रू सारा अगो ब्रॉडकास्ट हुंदा। हुण दे समां जिहड़ा आ गया इहदे च होया कि हुण नवें नवें जिहड़े थिएटर ग्रुप बने ने, डायरैक्टर्स बने ने, नवें राइटर्स आए ने, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लैके प्लेस करने शुरू करते हैं, जोड़े किसी पक्षों घट नहीं है, पर कुछ ही चीज़ा जी असी कई बार एक्सपैरिमेंटल प्लेस करना शुरू कर देने, असी सोशल लाइफ को छड़ के दूजे पास चल जाने, वो थोड़ी जी कितने कमजोरी भी देखती है तो कहते डेवलपमेंट लगती है। ये अपनी सोच है तो इन्हों के जो असी दूसरे लफ्ज़ क्रिटिसाइज करता किसी को कोई हक नहीं, जो बंदा कला अपनी मर्जी कर रहा है, मगर एक अगर डिसिप्लिन तौर पर देखा जाता तो रहे तो एस्टैब्लिश पे राइटर्स भी नाल लैके सामने चलना चाहिए है। संगरूर से सटे गांव अकोई कला में ट्रैवल एजेंट की ओर से किसान यूनियन उग्राहा की गाड़ी को तोड़ा गया। किसान यूनियन ने ट्रैवल एजेंट पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान के बेटे को विदेश भेजने के मामले में ट्रैवल एजेंट ने 26 लाख रुपए लिए थे। रुपए वसूलने के लिए किसान यूनियन ट्रैवल एजेंट के घर के सामने धरना देने लग गए, तो वहीं ट्रैवल एजेंट की मां ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि उसके बेटे ने कार तोड़ी थी लेकिन गोली नहीं चलाई, जिसके बाद किसान यूनियन ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सदर थाना संगरूर के सामने धरना दिया। संगरूर से हलचल के जसवीर मान की रिपोर्ट। 7-8 महीने पहला जिहड़ा अमृतपाल सिंह गोल्डी है कोई साहब वाला, ये साडी जथेबंदी दे विच कम करता रहा, बीके जू ग्राहां दे विच बहुत वधिया कम करके इन्हें लोगों नूं विश्वास दे विच लै लिया, जिहड़ा कि मैं भी इसे विश्वास का शिकार होया। ये ट्रैवल एजेंट का कम करन लग गया बाहर भेजण का, सो मेरी भी ये गल हो गई, मेरे बेटे नूं इन्हें बाहर भेजण की गल कर ली अमेरिका 35 लाख दे विच। ये मैनू कहिंदा प्रधान जी पहला 10 लाख रुपया लवोंगे, बाकी कहिंदा जदों ये धुर पहुँच गया बाकी पेमेंट 25 लाख रुपया फिर लवोंगे। चलो इन्हें इतों तोरता, ये 3 महीने रस्ते दे विच बैठा रहा, मैनू कही गया प्रधान जी बच्चा हुण अपना नेड़े पहुँच गया, मैनू पैसों की लोड़ है। चलो मैं इनू 15-16 लाख रुपया होर देता जी इनू, फिर 1 लख रुपया बेटा वक्रा भी लैके गया, कहीं 26 लख रुपया मेरा चल गया सारा। मैं चल लै जा कोई गल नहीं, क्यों विश्वास थी आपके बच्चा वागू समझदा थी मैं इनू विश्वास दे। फिर ये जो 3 महीने उत्थे बेटा बैठा रहा, रोटी कहीं भुखा रहन लग गया, उत्थे वाले एजेंटा ने गल की, वो कहिंदे जी सानू ये पैसे नहीं दे रहा, जे पैसे पा दिए असीं थोड़े बच्चे अगे पहुँचा दीए। तो मैं बेटे ने गल की, कहिंदा डैडी मेरा पासपोर्ट उन्होंने खोलिया, कहिंदा मैं तो उन्होंने रोटी के
हमला गहने कर रखे होटल वाले ने भी मैंने ना अगे ना पिछे हूँ पुलिस जी कर दी जो हूँ 3 घंटे हो गए पुलिस को साढ़े लवे उत्थे खड़ी है वो तो हूँ अंदर जाए आने ने मुड़े आने कोई गल ही नहीं करते फिर सानू ता ही आख के इतने हूँ गल करन वास्ते तो ही उत्थे प्रशासन बुलाया थी हूँ साढ़े आगू खड़े ने जिदा ये गल करनगे करनगे गल उन्हां नाल पिंड का जिहड़ा प्रधान हैगा कनोई दा कोई साहब दा वो सानू सारे नूं घरे लै गया कहिंदा प्रधान जी आपां बह के गलबात करदे आ जाओ इहदे प्यो नूं भी बुलाउंदे आ परिवार नूं बुला के आपां गलबात नबेड़दे आ मैं चलो बह जाने आपां घरें गए असीं ते उस तो बाद मेरे लवे रिपोर्ट आई कहिंदे प्रधान जी गोली चला गड्डी भनती सारी मैं चलो मैं एस एच ओ साहब नूं फोन किया डी एस पी साहब नूं फोन किया एस एस पी साहब नूं किया उन्हें चक्या नहीं हैगा कितने मीटिंग च वगैरह कितने बिजी होणगे नहीं जी बंदा है नहीं उस टाइम तक कोई खाली गड्डी पर हमला किया गड्डी सारी भनदी शीशे तोड़ते उहदे ते जदों असी आ प्रशासन आएगा फिर असी उत्थों आया फिर असी मतलब गलबात सानूं एक टैलीफोन आया सीगा कि किसान यूनियन ने किसी के पैसे दवाउण वास्ते कोई साहब किसी के घर गए सी भी उत्थे उन्होंने गोली चलाती असी उत्थे मौके ते गए आ मौके जाके वेरीफाई किया कैमरे चैक किए आ कोई गोली नहीं चली सी एक गड्डी के शीशे जरूर तोड़े एक बंदे ने ते उस संबंध में हजे तक साढ़े कोल कोई कंप्लेंट नहीं आई जदों कोई कंप्लेंट आउंदी आ असी उस संबंधी कार्रवाई कर लई हजे तक तो ये कह रहे हैं भी असी पैसे लेने से इन्हां बंदियां तों भी इन्हां ने सानूं पैसे नहीं दिते जदों कंप्लेंट आऊगी फिर ही उहदा वेरीफाई करके जो बनदी आ कार्रवाई करांगे बिल्कुल नहीं कोई गोली नहीं चलाई हैगी उहने हाँ जी गुस्से च आके गड्डी उहने जरूर भन्नी आ जिहड़ा सच आ मैं सच ही कहूंगी कोई मैं झूठ नहीं बोलूंगी होया इन्हां नूं सानूं बच्चों का कोई आपस में मैनू नहीं पता की सीगा इमीग्रेशन का काम करता वो देन लैन तो होंगे ही आ पहला वधिया घर आते करन अज मैनू नहीं पता घर कोई नहीं सीगा जानू चार बंदे आके पहला तलाह देंदे भी असं आए काम भी आ रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं दसिया गेट जो गड्डिया खड़ाइया मैं क्या तुम कि आए हो केंद्र असं गेट से धरना लावे फिर ये जदों मैं ये मेरे हसबेंड संगरूर गए से मैं इन्होंने फोन करके बुला लिया मैं बेटे ने भी बुला लिया चल जदों ये उन्हां कोल गए तू तू मैं होई वो इन्हों डंडा उगरे दो जणियां ने फिर मैं बिच हो के मैं बहुत बोली फिर मैं क्या सिरे दी ये यूनियन मैं तो मलंगी बोली मैं इवें झूठ नहीं बोली मैं तो ही क्या मैं जिम्मे साढ़े घर च 70 बचाए ने आई थोड़े वाल आई जदों मेरी वड्डी नूं असी एडमिट करना सीगा उस टाइम से भी यूनियन ने आके साडे नाल पूरा कीता सीगा कोई रंजे सही पुरानी ना नाल किवें पुरानी रंजे सी समझो तुसी बस जी मैं तय कर राज्य भर में लगातार हुई बारिश के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेमौसमी बरसात के कारण फसलों बागों और घरों के नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं ताकि किसानों और मजदूरों को बनता मुआवजा दिया जा सके। उक्त बात का प्रगटावा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने जंडियाला गुरु क्षेत्र के गाँवों का दौरा करने के दौरान किसानों के साथ बातचीत करते हुए किया। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने अपने क्षेत्र का दौरा विशेष तौर पर बेमौसमी बरसात के कारण फसलों और बागों के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त कमिश्नर को हिदायतें दी हैं कि वे संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत गिरदावरी करने के लिए विस्तृत हिदायतें जारी करें ताकि हुए नुकसान का पहल के आधार पर पता लगाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें ताकि प्रभावित लोगों को सरकारी नियमों के अनुसार बनता मुआवजा दिया जा सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। खेती बाड़ी अफसर जंडियाला गुरु आज मंत्री साहब ने स्पेशल अपना टाइम कट के बख बख पिंड का दौरा कर रहे हैं और जिमीदारा की मुश्किल सुन रहे हैं। साढ़े इतने पिछे जो बेमौसमी बरसात ने जो साडे अपनी कणक का नुकसान किया है जां होर फसलां जिन्हां दी बिजाई लेट हुई है साडे वल्लों मंत्री साहब नूं अपील की गई भी तुसीं अपना दौरा करो तां मंत्री साहब ने साडी अपील प्रवान करते हुए अज सवेर तों ही काफ़ी पिंडां विच दौरा किया है ते मंत्री साहब ने विश्वास दवाया है भी मान सरकार वल्लों जो भी गिरदावरी की जाएगी उसका भरपाई जिहड़ी जिमीदार की फसल की हुई है वह की जाएगी। मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी इतने आने पिछले दिन पंजाब दे विच बेमौसमी बरसातों के कारण काफ़ी जगह पर जड़ा फसलों का नुकसान होया कणक काफ़ी थले डिगिया ने अजे तक भी पैली जी थले वसरनी है सो ये करके काफ़ी जड़े साढ़े किसान भरा ने उन्हां दा काफ़ी फसलां नुकसानियां गईयां ने होर भी कणक तों इलावा होर भी फसलां जां बागां ते भी नुकसान होए ने कई जगह ते
ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का पूरे भारत में रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं अमृतसर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कंपनी बाग में रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर परमजीत चोपड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज को दबा लेगी, ये पहले से भी अधिक बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया बेनामी सेल कंपनियों का आया है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई थी, इसके खिलाफ कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोगों की आवाज़ को बुलंद करती हुई आई है और वह राहुल गांधी की आवाज़ को दबने नहीं देगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिवें कि तुसी सारे जानते हो अज देश विच लोकतंत्र इन्ना खतरे च पै गया कि इहदी कदी कल्पना भी साडे बजुर्गां ने नहीं कीती होएगी। अज जिहड़ा साडे श्री राहुल गांधी जी नाल धक्का कीता गया इत्थों पता लगदा कि बीजेपी दी सरकार नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी जिहड़ी उन्हां ने यात्रा निकाली सी उहदे नाल उन्हां दा सिंघासन किन्ना क डोल गया कि वह डर के मारे अज उन्हां नाल अज इस धक्के ते उतर आया कि उन्हां नूं अपनी सदस्यता तो रद्द करन दा जिहड़ा फरमान जिहड़ा अज जारी कीता इहनू सिर्फ असीं अज हिंदुस्तान दे युग विच असीं अज बड़ा काला दिवस मना गए रूप च असीं मना गए। बठिंडा के आरटीए कार्यालय में गांव खेमोआना का नौजवान पिछले 6 महीनों से चक्कर लगा रहा है। इस दौरान नौजवान अवतार सिंह ने बताया कि उसने 2022 में नई कार खरीदी थी और कार का नंबर लेने के लिए आरटीए दफ्तर में पैसे भरे थे। पैसे भरने के बावजूद अभी तक कार पर लगाने के लिए नंबर अलॉट नहीं किया गया। उसने बताया कि इस संबंधी उसने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग में भी पता किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास उसकी फीस आ चुकी है और जब वह बठिंडा आरटीए दफ्तर में आया तो यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि उनके पास उसकी कोई फीस नहीं आई, उसे पिछले 6 महीनों से तंग परेशान किया जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में आरटीओ मैडम अंबिका से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला आया है। इस संबंध में उन्होंने हेड ऑफिस चंडीगढ़ से बातचीत की है। नौजवान को तंग परेशान करने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। सर एक्चुअली मैटर हैगा रिफंड दा, उन्हां दी पेमेंट फस गई आ, बैंक वालों उन्हां दे अकाउंट चो निकल चुकी हुई पर वाहन दे विच सानू शो नहीं हुई, इस करके सानू असीं खजाने तों उन्हें वेरीफाई करवाना आ कि इहदी पेमेंट आई है कि नहीं आई। मैनू पता वह आए सी, मैं मैटर नूं डीलिंग हैंड नूं दित्ता हैगा, जिस टाइम वह आए सी वह खाना खाण चले गए सी, मतलब कि स्वाभाविक ही वह कह रहे हैगे 1 अक्टूबर तो खज्जल खुआर हो गए, उन्हें बारे तो मैनू कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर हुण जदों मैटर मेरी नॉलेज च आया मैं अपने वालों पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ कि उन्हें जिन्ना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट किया जाए, तो मैं हैड ऑफिस चंडीगढ़ भी गल की, उन्हों की भी मैंने कॉल आई सी, मैं परसनली इस चीज़ में हैंडल करूँगी। मेरा ना एक्चुअल कार का नंबर लाने वास्ते फीस भरी सी जी, मैं 1 अक्टूबर 2022 3 अक्टूबर 2022 उस तो बाद जी 3 महीने तक मेरे गेड़े लोन दे रहे सी, सानू खजाने की वेरीफाई दौ सानू, उस तो बाद इन्हों की जिहड़े बैंक स्टेटमेंट दौ, असी सारा कुछ लिया के देता इन्हों जी, उस तो बाद कहते साढ़े तत्थों बसों बहर आ, असी थोड़ी फीस का हल नहीं करवा सकते, तो तुम एस पी सी ऑफिस चंडीगढ़ जाओ जी। उस तो बाद जी असं चंडीगढ़ चले गए एस पी सी ऑफिस, 3 गेड़े जी उत्थे लाए असी, उन्होंने जी सारा डिटेल चैक करी जी, मैं खजाने की वेरीफाई दी सू, उन्होंने फार्म भी रिसीप्ट भी कट के दी भी थोड़ी पेमेंट खजाने आई हुई है पर इन्हों पोर्टल च नहीं बोल रही। हूँ इतने फिर गेड़े कोई पई जाने किसी कुछ नहीं पता ना सूँ भी दस रहे हैं, जोड़ा सूँ एस टी सी ऑफिस ने कोड दिता वो टिकट नंबर ही इन्होंने खुलना आ रहा, सूँ पता ही नहीं भी है कि फिर असं कहा भी एस टी सी ऑफिस कॉल कर लो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਏ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕੀਲੋਂ ਕਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए शहद के जनरल सचिव और संगरूर क्षेत्र के इंचार्ज विनरजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि पुलिस ने जिन निर्दोष लोगों को पकड़ रखा है और जिनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जिनका अमृतपाल सिंह के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वे फ्री कानूनी सहायता देने जा रहे हैं। उनके वकील किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेंगे। जिस किसी को भी किसी प्रकार की कानूनी सहायता लेनी हो, वह संगरूर में उनके वकीलों के पैनल से मिल सकता है और उनके वकीलों के पैनल से मिलकर उनके साथ भी संपर्क कर सकता है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। साडा मनना है कि यह पंजाब जड़ा है पंजाबियों का सूबा है। असी कदे भी यह नहीं कहते कि इत्थे दी शांति जां भाईचारक सांझ जिहड़ी आ खत्म होवे, ना इत्थे कोई हिंदू राष्ट्र का मसला है, ना इत्थे खालिस्तान का मसला है, ना सानू हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना सानू खालिस्तान चाहिए, सानू एक चंगा पंजाब चाहिए, एक सोहना पंजाब चाहिए। पर पिछले दिन ही जे किसी नौजवानों ने भावुकता चा के किसी चीज़ के विच कोई गलती या किसी तो कोई कह जा कोई अपराध या कोई गलती हुई है, उसकी सज़ा उस तरीके नाल मिलनी चाहिए है, उस बंदे नूं मिलनी चाहिए जिन्हें वह किया है। तो अज असी जिहड़े इकट्ठे होए अज क्योंकि मेरे नाल साडा वकील भाईचारा जिन्हें ने साडे पंगू साहब पूनिया साहब रेड़ी साहब जिनी भी साडी टीम है, अज साडे वल्लों एक फैसला किया गया है कि असी दो वकील यह अपॉइंट किए ने, बाकी भी सारी टीम नाल जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल वालों, कि रणधीर सिंह पंगू ते सरदार सुखबीर सिंह पूनिया, जिहड़े रणधीर सिंह पंगू जिहड़े साडे इत्थे दे प्रधान ने अपने लीगल सैल दे श्रोमणी अकाली दल दे, ते नाल पूनिया साहब जिहड़े इह पुराने साडे लीडर ने, ते नाल ही जिनी होर टीम सारी साडी खड़ी है, सारिआं ने फैसला असी कीता कि कोई भी बेकसूर नौजवान कोई भी बेकसूर पंजाबी चाहे वह किसी धर्म नाल किसी मजहब नाल रखता तल्लुक साडा ये मसला नहीं, क्योंकि सब तो पहला असी पंजाबी हाँ। जे उहदे ते किसी तरह का सरकार वालों अन्ना तशद्दद किया जाता है, सरकार वालों कोई उहदे ते कारवाई की जाती है, तो असी उहदे लई मुफ्त जिहड़ी है उहदी कानूनी लड़ाई लड़ांगे। आज की युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंसती जा रही है, तो वहीं कई युवा व समाज सेवी संस्थाएं युवाओं को नशा छुड़वाकर जन कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी के तहत अमृतसर के पूर्वी क्षेत्र के अधीन आते गुरुद्वारा गोल्डन एवेन्यू में धन धन बाबा बुड्ढा जी सेवा सोसाइटी के प्रधान मनजीत सिंह की अध्यक्षता में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। इस शिविर में विभिन्न जथेबंदियों व समाज सेवी संस्थाओं के नेताओं ने भाग लिया, तो वहीं इस रक्तदान शिविर में 100 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान मनजीत सिंह ने रक्तदान करने वाली युवाओं को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया और युवाओं को नशा छोड़कर जन कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े जोड़ा फटक तो साढ़े वीर ने मनजीत सिंह जोड़ा फटक ये इन्हों की जी टीम आ हमेशा साढ़े समाज की खास करके साढ़े इलाके जोड़ा फटक की सेवा लिए सदा तत्पर रेंदे ने। हूँ तो मेरे हालात ये ने कि मैं अक्सर माड़िया मोटिया लैना इधर उधर करनिया होंगे क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम चलते ही रेंदे ने, तो हमेशा ये मैनू माण देंदे ने। कभी इन्होंने स्कूल के बच्चों बैग फ्री देंदे ने, कभी शूज़ वो सरकारी स्कूल के बच्चों जोड़े लैके देंगे ने, ठंडे पानी की मशीन जी स्कूल दे दान की जाती है, तो साल बाद गरीब परिवार लड़कियां के विआह जड़े आ इन्हां वालों सारा खर्च करके वो किए जाते हैं। इस तों अलावा खूनदान कैंप लगाया गया है। सब तो वड्डी चीज़ जी मैं समझदा कि खूनदान करना अज्ज दे नौजवानों नूं प्रेर के इस थां ते लिया के उन्हां नूं ये मतलब इनकरेज करना कि खूनदान जिहड़ा सानूं रूटीन वाइज करना चाहिए आ। हर नीड पेशेंट की कोई गरीब जे किसी को पैसे नहीं भी है उन्होंने भी ये हैल्प करते हैं। सो अपील की करो ये नौजवान ब्लड ज़्यादातर 18 साल तो लैके मैं कहना 60 साल तक का कोई भी नौजवान शरीर इंसान तंदुरुस्त सारे खूनदान करना चाहिए। ये कोई कमी नहीं आती, शरीर किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं आती, सगो शरीर अगे ना तंदुरुस्त। मैं नौजवानों यही अपील करदा कि वध चढ़ के खूनदान करया करो। 3 महीने बाद 4 महीने बाद घट तो घट आप एक बार साल 3 बार खूनदान जरूर करया करिए। देखो जिन्हों लोड़ पैंदी है जिहड़े आ अपने सज्जन मित्र सारे है इन्होंने फोन नंबर सारे को है ने, किसी रिक्वायरमेंट किसी भी ब्लड होस्पिटल च हो टाई अप करते उन्होंने नीड पूरी की जाती। श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज़ 1 में माता की चौकियों का आयोजन भजन संध्या के रूप में बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है।
जिसके पांचवें दिन गायक कुमार हरीश एंड पार्टी ने अपनी मधुर भेंटों एवं सुंदर भजनों से सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की चेयरमैन राजविंदर कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सभी माँ भक्तों को नवरात्रों की बधाई दी। श्री विज के साथ स्वर्गीय नरेश शर्मा के सुपुत्र गौरव शर्मा व श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार अर्जुन मल्होत्रा भी शामिल रहे। माता की चौकी में विशेष रूप से इंदु देवा भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इन चौकियों के तहत मंदिर परिसर में 11,000 ज्योतियां माँ भक्तों द्वारा प्रज्वलित की गई, जिससे सारा इलाका रोशनी के रंग में रंगा। भजन संध्या की श्रृंखला में 27 मार्च की शाम को अशोक शर्मा कुमार आशु शर्मा एंड पार्टी और 28 तारीख को प्रवीण लक्की एंड पार्टी माँ भगवती का गुणगान करेंगे। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। गरीब आदमी का वो काम करते हैं और सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर से 29 तारीख को ठीक 1:30 बजे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दूर दूर से मशहूर जो झांकियां हैं वो पेश की जाएंगी। हम भी गीता मंदिर श्री अर्बन स्टेट जलंधर से यहां से बहुत बड़ी झांकियां लेकर बैंड बाजों के साथ, हाथियों के साथ, रथों के साथ उस शोभा यात्रा में
शामिल होंगे। शीतल वृत जी, दैनिक सवेरा जो अखबार है जिसमें आप रोज देखते हो गीता मंदिर की फोटो, गीता मंदिर की खबरें, वो शीतल वृत जी की अखबार है, वो उनकी अखबार नहीं, वो कहते भक्तों की अखबार है। जो लवाना लवा दो, मार दो ताड़िया। प्रकाश की कल सारिया जोतों की फोटो अखबार च देखना। शीतल वीर जी एक बहुत वड्डे बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने अपना काम कार पिछे करके माता के दरबार च लग गए और माता की सेवा कर रहे हैं। सिद्धपीठ श्री देवी तलाब मंदिर की सारे हिंदुओं को जोड़िया पिरोया एक लड़ी के विच असी सारे जुड़ते चले गए। मैनू भी जिहड़ी शिक्षा मिलती है इन्हां कोलों मिलती है। बड़े साडे इत्थे बड़ा कुछ होया, लेकिन इन्होंने अपना आशीर्वाद बना के रखिया। जद भी बुलाने हैं बिन बुलाए ते चले आते हैं माता के दरबार च, चाहे लुधियाने हो जिथे मर्जी हो। ये कहते प्रधान ने आ गया, इन्हों की टीम नू नहीं पता होंदा, लेकिन इस मंदिर के नाल तुहाडे नाल इन्ना प्यार है कि आ जाते हैं। अज साडे नाल मैडम राजविंदर कौर भी जुड़ गए, होर भी MLA साहबान ने आना सी, बट सानू तो यह पता है जदों भैन राजविंदर कौर आ गए तो सारी जिहड़ी मिनिस्ट्री है वह गीता मंदिर च हाजिर हो गई, क्योंकि यह सीधा दरवाजा इन्हों का CM के कोल खुलता है। सीधा जाके कोई भी तुहानू काम होवे फेस पूछ हैगे है, जिहदा जेनुइन काम होएगा वह करनगियां। बिना किसी संकोच दे, बिना किसी डर दे, बिना किसी की कुछ मंगणगे नहीं, वो तुहानू देख के तोरनगे। भुलना नहीं फेसबुक के विच के रहिंदे ने। शीतल वीर जी का असी स्वागत करते हैं, मैडम राजविंदर कौर जी का असी सब का स्वागत करते हैं। ये बार बार आते रहन, देवा माता जी भी साढ़े बच्चे आए हुए हैं, असं उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं और जी आया आखते हैं साढ़े भक्तों से अपना आशीर्वाद बना के रखो। असी सौभाग्यशाली है कि तुसी साढ़े इस गीता मंदिर के विच अज अपने चरण पाए। ये चरणों के नाल साडा जिहड़ा मन है बिल्कुल बागो बाग हो गया, साढ़े भगत भी सारे जिहड़े है वो खुश हो गए। मैं तुहानू जी आया आखदा तुसी आंदे रहो, अज माहौल इदां दा हैगा तुसी आए हो फिर भी आना, बार बार आना। 12 माता रानियां विराजमान ने, उन्होंने समक्ष ये सारे भगत बैठे ने। 11,000 ज्योतियों का प्रकाश होया जिहड़ा कि पूरे पंजाब सिर्फ गीता मंदिर अपन स्टेट के विच ही होता हैगा, तो इन्हां दी सारी शिक्षा हैगी है। बहु जी जी भीष्म पितामह हिंदुओं के, साडे अन्नदाता, साडे सब कुछ हिंदुओं के श्री शीतल वीर जी, इन्हों का असी आभार हमेशा करांगे। गीता मंदिर प्रबंधन कमेटी के प्रधान जी राजेश जी, सेवक प्रधान अंदर बैठे हैं, अपने आप को इस मंदिर का सेवादार समझते हैं, और इन्होंने सारी समुची टीम पिछले 10 साल मैं देखा, मैं पिछले 15-20 साल तो इतने भगवत मां का आशीर्वाद इतने बुला के दवाते हैं। मैं समुची टीम को बहुत धन्यवादी है, और पिछले 15 साल जो मंदिर की रूपरेखा राजेश होना की टीम ने, राजेश होना की अंतर मेहनत ने, अच मंदिर देखो अच बुलंदियां से लै गए ने। कृपा महाराणी की है, कृपा महाराणी की है। मैं देखता रहा कि कितनी लड़ाइयां हुई हैं, कितना प्लॉट लिखे, किस तरह वड्डे वड्डे लीडर इन्हां दे खिलाफ खड़े हो जाते थे, पर ऐसी कृपा होती सी महाराणी की कि मंदिर की हमेशा चिंता होती है इन्हां दी। जय करो शेरा वाली दा।
ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਵਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਣ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਤਰੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਧੱਕਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਲੋਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਲੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में नगर काउंसिल के कार्यालय में आजाद विधायक राणा इंद्र प्रताप ने प्रेस वार्ता कर शहरवासियों की बड़ी समस्याओं को सुलझाने का हवाला देते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से शहर के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बने पीने वाले पानी के सीवरेज की पाइपलाइन एक बड़ा विषय है जिस पर उनका लंबे समय से ध्यान है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 25 करोड़ रुपयों की लागत से जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। उन्हों का सोल्यूशन कढ़िया गया ते सब तो इंपॉर्टेंट चीज मैं सुल्तानपुर के लोगों को दसनी चाहना कि शहर के विच दो वड्डे मसले सी, एक पीने वाला पानी ते दूजा सीवरेज का, ते इनू दो ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੋਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ DPR ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋਹੀਆਂ ਚੁੰਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਰਵਿੰਡੀ ਤੋਂ RCF ਤੱਕ 4-laning ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ NHAI ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर की लैम्बर कॉलोनी में लोग सीवरेज जाम की समस्या से काफी परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी इस समस्या संबंधी समाज सेवक अजय पीवल को अवगत करवाया,
जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अजय पीवल ने सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सीवरेज जाम की समस्या को हल कर चालू करवाया, जिस कारण इलाका वासियों ने समाज सेवक अजय पीवल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पवन, सुदेश, रोहन, अंकित, कुश सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित नार, मैं दीपनगर लंबड़ कलोनी तो गल कर रहा। तो साढ़े एरिए ना सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, असं बहुत जनियां नूं कहा साड़ी, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की जी। तो फिर असी अपने वड्डे भाई अजय भाई नाल कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने साड़ी बड़ी सुनी, तो साढ़े आ देखो सीवरेज का काम कराया, तो हूँ असं उन्होंने बड़े थैंकफुल हाँ। तो सानू इदा का ही नेता चाहिए भी जो साढ़े एक कहे तो भी साढ़े नाल खड़े। मैं पवन जी लंबड़ कलोनी तो अपना दिन साढ़े सीवरेज की प्रॉब्लम सी, असी अजय प्रधान जी ने दसिया और उन्होंने सौंदे सारी इस समस्या का हल कढ़िया और सीवरेज मैन लिया के और सीवरेज साफ सफाई कराई है। असी अजय प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मौके पर आके दब दब खड़े कोल होके तो उन्होंने सीवरेज का काम कराया जी। बठिंडा मोड़ मंडी के गांव मैसरखाना के प्राचीन मंदिर में छठे नवरात्र पर मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्र के छठे नवरात्र में वर्ष में दो बार आने वाले नवरात्रों के दौरान इस प्राचीन मंदिर में यह मेला बड़ी ही धूमधाम से लगाया जाता है। इस मेले में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आए भक्तों ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। छठे नवरात्र की रात को माँ ज्वाला जी की ज्योति इस मंदिर में प्रकट होती है और भक्त जन माँ ज्वाला जी की ज्योति के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ हर वर्ष यहाँ आते हैं। ये मेला दिन रात चलता है, तो वहीं सच्चे मन से जो भी भक्त यहाँ मुराद मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम केवल कृष्ण हैप्पी जी, मेरे को श्री सनातन धर्म पंजाब महावीर दल हैड ऑफिस प्राचीन दुर्गा मंदिर मैसरखाना दे जिला कैप्टन की जिम्मेवारी है जी। जो ये मेला 27 मार्च में अपना भर रहा है वो संबंध के साड़िया जो महावीर दल कन्नों पूरी तैयारियां ने जी, सारे जोड़े प्रबंध है वो मुकम्मल कर लए गए हैं। जनता दे लई साढ़े जो लंगर ने पंजाब महावीर दल वालों लाए जा रहे हैं, डिस्पेंसरियां जी वो इत्थे लाइया गई ने और सारे ही भगतों के वास्ते जो भी भगत इत्थे आउंदा कोई भी उन्हां नूं समस्या ना आवे, जिस तरह पानी दे भी प्रबंध किए गए ने जी, भगतों नूं मत्था टकाउण लई निराश ना होवे उहदे वास्ते भी साढ़े जिहड़े वलंटियर है वह इत्थे ड्यूटी दे उपर तैनात रहिंदे ने जी। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम अमरजीत गिरी है जी। इस वक्त मेरे को श्री सनातन धर्म पंजाब महावीर दल जिला बठिंडा हैड ऑफिस है मैसरखाना की कैशियरशिप की जिम्मेदारी है। ये जो मेला है ये साल के विच दो नराते आते हैं, एक चेत दे ते एक असू दे। वो मेलिया के छठ दे नू मेला भरता है। इस बार जो ये दे नराते ये मेला 27 मार्च का पै रहा है, 27 मार्च की छठ है, छठ नू ये मेला भरेगा। पर जिक्र योग ये भी आता है कि समय नू मद्देनजर रखते हुए ये मेला हुण पहले नराते तो ही महामाई की कृपा नाल भरन लग जाता है। श्री राम मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च तक दुर्गा स्तुति के पाठ साईं 4 बजे से 6 बजे तक करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों ने दुर्गा स्तुति के पाठ कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनकराज सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर न्यू रसिला नगर बस्ती दानिशमंदा में पंचम नवरात्र स्कंद माता स्वरूप में जो है श्री माताओं द्वारा दुर्गा स्तुति का सुंदर पाठ हो रहा है। सभी भक्त यहां पर आकर के दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। इस नवरात्रों के हिंदू में हमारे 2180 संवत चल रहा है, नए संवत पिंगल नाम संवत है और 2180 संवत 2180 चल रहा है।
तो ये नव वर्ष हिंदू के जो है इस चैत्र नवरात्र में हमारे हिंदू नववर्ष आता है और 30 तारीख को जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म है, श्री राम नवमी है। उस दिन श्री राम मंदिर को अखंड रामायण पाठ 29 तारीख को अखंड रामायण का पाठ रखा जाएगा, 30 तारीख को उसका भोग पड़ेगा। तो मेरा सभी भक्तों का विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में श्री राम मंदिर में आकर के श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का गुणगान करें। रामा मंदिर जालंधर छावनी में नवरात्रि के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने कीर्तन कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान कमल चौहान, राजेश चौहान, प्रभु दयाल, पंडित राजेंद्र शर्मा, राजू लक्ष्य शर्मा, संदीप सोडी, गंगा, उषा, आशा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट।
ਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਊਸ਼ਾ ਭੈਣੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੂਰਨੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਚਿੰਤਾਪੂਰਨੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਧ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਊ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਨੌਮੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 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 ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਚੈਤਰ ਮਾਸ ਕੇ ਨਵਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਚੈਤਰ ਨਵਰਾਤੋਂ ਕਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ ਆਜ ਉਸਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਸਤ ਕਾਰਿਕਾਰਣੀ ਸਭੀ ਭਕਤਜਨੋਂ ਨੇ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕਰ ਆਰਤੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੇ ਇਨਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਹੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੀ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖੀਨਾਂ ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਯਾਂ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣੀ ਪਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ਮਾ ਫਲੇਸੁ ਦੁਃਖਾ ਭਵੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਹਰ ਵਰਸ ਕੀ ਭਾਂਤਿ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਸਤੀ ਪੀਠ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ 29 ਮਾਰਚ ਕੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋ ਭਵ੍ਯ ਰੂਪ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਭਾਗ ਲੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮਾ ਮੰਦਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਕੇ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਭਜਨ ਗਾਤੀ ਹੈ ਔਕਾਤ ਨਾਚ ਗਾਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਨ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ 29 ਤਰੀਕ ਕੀ 8ਵੀਂ ਹੈ 30 ਤਰੀਕ ਕੀ 9ਵੀਂ ਹੈ 30 ਤਰੀਕ ਕੋ ਸੁਬਾ ਛੋਟੀ ਕਣਕੇ ਬੜੀ ਕਣਕੇ ਜਿਤਨੀ ਕਣਕੇ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਕੋ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਂ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਝਾਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਯੋਗ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਮੇਜ ਜੀ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਆ ਹਮ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਪੰਡਿਤ ਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਬਦਵਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਮਸਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਲੇਡੀਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮਾਰੇ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹਮ ਇਨਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਮ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਸੇ 7:30 ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਕੇ ਹਮ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਕੋ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ 4ਥੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਮੇ ਆਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਕਤੋ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਭਕਤੀਮੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ 24 ਮਾਰਚ ਸੇ ਲੇਕਰ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਤਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ
उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनक राज, सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अज श्री राम सब कमेटी वालों श्री राम मंदिर न्यू श्रीनगर तो जी चौथी प्रभात फेरी का शुभारंभ होया सी। अज वक्त वक्त जगह पर जाके नगर की परिक्रमा करती हुई श्री राम मंदिर में आके विश्राम किया उन्होंने प्रभु राम जी ने। और मैं इस नवरात्र के उपलक्ष्य में जो अज स्कंद माता का पंजवां छेवां नराता है मैं बहुत बहुत बधाई देना सबनों। महारानी इस तरह सत्य मेर पर हाथ रखे, इन्हें तंदुरुस्ती बख्शे और सदबुद्धि बख्शे, ऐसे धर्म के काम के जुड़े रहन। 29 तारीख को एक बहुत विशाल शोभा यात्रा जो कि श्री राम मंदिर न्यू श्रीनगर तो चलेगी और श्री देवी तला मंदिर के नाल जाती हुई सारे शहर की परिक्रमा करती हुई शाम को वापस आके श्री राम मंदिर में भी शाम करेगी। और उस तो बाद 29 तारीख को सवेरे सारे दुग्गल परिवार वालों एक रामायण जी का श्री पाठ जो है शुभारंभ कर रहे हैं जो कि 30 तारीख को दोपहरे 12 बजे के करीब वह भोग पवेगा, विश्राम किया दिता जाएगा और उस तो उपरांत विशाल लंगर भी बनाया जाएगा। मैं सारे ही बस्ती निवासियों को कहना प्रार्थना करना कि सारे ही उस दिन असी उस शोभा यात्रा के नाल शहर की परिक्रमा करने वास्ते जरूर चलीए और महाराणी दे श्री राम जी दे गुणगान करते हुए अपने जीवन में सफल बनाइए। मैं इस उपलक्ष्य के जो उपराला किया श्री शीतल बेद जी ने, राजेश बेद जी ने, उन्होंने पूरी टीम ने श्री देवी तला मंदिर में बहुत बहुत लख लख बधाई देना जिन्होंने इन्ना वाला
उपराला करके सारे समाज नू सारे सनातन नू इकट्ठिया करने की कोशिश की है। मैं बहुत बहुत इन्हों का भी फिर द्वारा धन्यवाद भी करदा और सबनों नमन भी करदा कि परमात्मा इन्होंने इस तरह ही सेहत बनाई रखे और तंदुरुस्त रहन और समाज की सेवा करते रहन। जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा शुरू हुई नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के पांचवें दिन का आगाज हुआ। पांचवें दिन की भजन संध्या की शुरुआत गौरव चतरथ एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ की। उन्होंने मां भगवती के भजनों से सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। वहीं श्री राम भगवान के सुंदर भजन सुनाकर सभी मां भक्तों को 29 मार्च को श्री देवी तला मंदिर से निकलने वाली श्री राम नवमी शोभायात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। भजन संध्या में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव CAVM अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, मंच संचालक बलदेव आनंद, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, पूजा खोसला, सीमा महेंद्रू, सीता बांसल, मीरा महेंद्रू, जानवी मल्होत्रा, पूनम आनंद, वैदेही, वंशिका, सोम्या सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सारथी मां बन जांदी आप जी दे रथ दी औखियां वे रावां ते ओ रथ नहीं ओ रुकदा माली वांगू सींच दी ए खुद जिनू महारानी कैर दियां तुप्पां च ओ बूटा नहीं ओ सुकदा गर्व नाल सिर उच्चा दुनिया ते ओ हुंदा अदब नाल जेड़ा सिर दादी दर झुकदा निर्दोष माई कोलो मंगो जो भी दिल करे क्योंकि इस दा खजाना कदे वंडे नहीं मुकदा गले शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री रामनवमी शोभायात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री शिव साई मंदिर वाल्मीकि गेट जालंधर के पवन शर्मा, राकेश कुमार सलोनी, श्री बांके बिहारी मंदिर सर्कुलर रोड जालंधर के राम नारायण शर्मा, सुधा कपूर, कमलेश शर्मा, सरोज बांबरी, पूनम माटा, सुमन गुप्ता, सरोज महाजन, शशि भाटिया, श्री चिंतपूर्णी मंदिर विक्रमपुरा जालंधर के जवाहर सहगल, अनिल पाठक, अशोक भाटिया, सुरेंद्र चांदी, सुमन चोपड़ा, राकेश कुमार, संदीप नंदा, आर के शुक्ला, पूर्व पार्षद दविंदर सिंह सानी, राकेश कुमार, मनोहर लाल, श्री राधेश्याम मंदिर नीला महल जालंधर के पंडित चिरंजी लाल, गीता रानी, श्री शिव मंदिर खन्ना बगीची जालंधर के संतोष कुमार पांडे, सोमनाथ, रिंकू मोदी, दिनेश खन्ना, रिया गोड़, अश्विनी धीर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा डा होशियारपुर चौंक जालंधर के मक्खन सिंह, अमृतपाल सिंह भाटिया, बूटा सिंह, भाई पवनीक सिंह, भाई गुरुपाल सिंह, वरिंदरजीत सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़, प्राचीन त्रिवेणी मंदिर टांडा रोड जालंधर के भगवान दास शर्मा, दविंदर कुमार, पंडित जगजीवन तिवारी, प्रदीप विज, पंडित रंगलाल जोशी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभायात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया
कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर सेवा समिति की तरफ से जो 29 तारीख को देवी तालाब से रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें हमारी तरफ से जल सेवा का जो भी वो किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, जैसा भी होगा बच्चों के बाद भाग लिया जाएगा। पूरी बांके बिहारी सेवा समिति स्त्री सभा की तरफ से जैसा भी सहयोग बनेगा। चिंतपुर्णी मंदिर प्रबंधक कमेटी रामखाड़ा बिक्रम वालों जी देवी तालाब वालों शोभा यात्रा कटी जा रही है, उस दे संबंध में इस कमेटी वालों साडे प्रधान जवाहर सागर जी के नेतृत्व में मिति 29 तरीक न माहिरंगेड़ में विशाल स्टेज लाई जाएगी, जिदे कि कमेटी वालों वख-वख तरह के लंगर लगाए जाऊंगे और आए हुए भक्तों का पूरा समान समान किया जाएगा। 29 तरीक दिन बुधवार जी शोभा यात्रा देवी तालाब मंदिर तो निकाली जा रही है, उनके मैं सारी संगत को बेनती करना चाहता वा, हाथ जोड़ के बेनती है कि सारे 2 बजे बुधवार को देवी तालाब मंदिर पहुँचो तो हुम हमा के सारे असी शोभा यात्रा को काम। श्री देवी तालाब मंदिर से जो जालंधर शहर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ उसकी शोभा यात्रा में हम सभी से प्रधान की तरफ से मिलकर के शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जालंधर स्थित वेरका प्लांट पहुंचे, नए प्लांट का किया उद्घाटन। अमृतसर के बांके बिहारी इलाका में बटाला रोड में एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने ससुराल पक्ष पर तंग परेशान व मारपीट के लगाए आरोप। कपूरथला की कांचली झील में एक अज्ञात युवती ने लगाई छलांग, पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।